धूमधाम से मनाई गई धनतेरस। पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास ने भेंट किए भगवान धन्वंतरी जी के चित्र। आयुर्वेद की देवता भगवान धन्वंतरी की जयंती यानी धनतेरस पर्व के उपलक्ष्य में पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के अध्यक्ष राकेश मिश्र जी के सौजन्य से पंडित गणेश प्रसाद मिश्र सेवा न्यास के प्रेरक बड़े वैद्य जी की स्मृति में 5000 परिवारों को भगवान धन्वंतरी जी का चित्र भेंट कर आयुर्वेद की देवता को घर घर प्रतिस्थापित किया गया। छठ महापर्व को लेकर सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान, यमुना घाटों पर पहले की तरह होगी पूजा। कोरोना महामारी के 2 साल बाद राजधानी दिल्ली में छठ पर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। दिल्ली में छठ त्योहार मनाए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार इस वर्ष बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है। इस बीच यमुना किनारे छठ पर्व मनाने को लेकर संशय खत्म हो गया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि यमुना के घाटों पर पहले की ही तरह छठ पूजा मनाई जाएगी। सभी अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि यमुना प्रदूषित न हो, ये सुनिश्चित करने के लिए सभी तरह के प्रबंध किए जाएं। छठ पूजा के लिए दिल्ली नगर निगम ने भी जारी किया फंड, जल्द रोशनी से जगमग होंगे घाट। छठ पूजा धूमधाम से मने, वहां श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, इसके लिए एमसीडी भी पूरी तैयारी में जुटा है। घाटों की साफ सफाई और पार्किंग के निर्देश देने के बाद अब प्रत्येक वार्ड को 40,000 का फंड उपलब्ध कराया गया है। इस फंड की मदद से छठ घाटों पर प्रकाश की व्यवस्था हो सकेगी। निगम द्वारा जारी आदेश के अनुसार एक वार्ड में 2 छठ घाटों पर प्रकाश की व्यवस्था की जा सकेगी। निगम के अनुसार इसके लिए 1 करोड़ से अधिक की राशि जारी कर दी गई है। मेट्रो यात्रियों को दिवाली के बाद मिलेगी खुशखबरी, लोगों को अब घर तक पहुंचाएगा डीएमआरसी। दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों को लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बेहतर सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम यानी डीएमआरसी ने कई पहल की है। इसके तहत दिल्ली में मेट्रो फीडर बस, ई रिक्शा, ई स्कूटर, विभिन्न स्टेशनों से साइकिल शेयरिंग जैसी सुविधाएं शुरू की गई है। ये सुविधा दिवाली त्योहार के बाद ही सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी। केजरीवाल सरकार का ऐलान, प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली में चलेगा रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान। दिल्ली में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार पिछले साल की तरह इस साल भी आगामी 28 अक्टूबर से लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू करेगी, जिसके तहत चौराहों पर जो लोग गाड़ी बंद नहीं करेंगे उन्हें गांधीगिरी के जरिए एवं गुलाब का फूल देकर गाड़ी बंद करने का आग्रह किया जाएगा। करनाल के किसानों को आया रास, पराली प्रबंधन सबसे कम आग लगने की घटनाओं में 3रे नंबर पर। हरियाणा में पराली में सबसे कम आग लगने की घटनाओं में करनाल 3रे पायदान पर है। पराली प्रबंधन किसानों को रास आ गया है, अब किसान पराली से कमाई कर रहे हैं। पिछली बार पराली जलाने में शीर्ष पर होने के बाद अब ज्यादा से ज्यादा किसान जागरूक हुए। सरकार की ओर से दिए गए लक्ष्यों की बात करें तो इस वर्ष पराली में आग लगने की घटनाओं में 50% तक की कमी की बात कही गई है। पंजाब में मिलावटखोरों पर सख्त हुई सरकार, सीएम मान ने की योजनाओं की समीक्षा। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं व कार्यक्रमों की समीक्षा की। इस दौरान सीएम ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए। सीएम भगवंत मान ने पराली जलाने से किसानों को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि त्योहारों के चलते यदि कोई भी खाद्य पदार्थों में मिलावट रूपी भ्रष्टाचार करते पकड़ा गया तो यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।